रोटू यू बाय को पावर्ड बाइन एंडल बोलो जुबा तो घर में कोई भी फैसला होता है कोई भी बात होती है तो आपसे चर्चा होती है आपसे परमिशन ली जाती है आपकी बार आप जाएंगे कहीं प्रचार करने अखिलेश भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज पहले नहीं लड़ रहे थे आपसे पूछा क्या आगे कि चुनाव लड़ना चाहिए तो ठीक है पूछी थी तो चुनाव पाँच साल पहले जब हम आए थे थोड़ा आपस में विवाद था मगर अब हम देखते हैं सब शांति है सब आपस में प्रेम है आपने डाट डांट लगाई क्या सब ठीक करो अब डांट का लगाई बैठक कहीं? तो फिर समझाओ पांच साल हो गए हैं 2019 में मैं मैनपुरी आया था लोकसभा चुनाव कवर करने तो मैं सफाई गांव आया था जो कि मुलायम सिंह यादव जी का पूरा गांव है यहाँ पूरा परिवार रहता है और उस वक्त मैं मिला था उनके छोटे भाई अभयराम जी से और पाँच साल बीत गए हैं 2024 आ गया है और एक बार फिर से मैं आया हूं उसी गांव में और वहीं ठीक उसी जगह पर जहां पाँच साल पहले अभयराम जी मिले थे उसी जगह पर फिर बैठे मिले हैं घर का पूरा कामकाज देखते हैं अभी भी हैं पूरी चिंता घर की खेती की भैंसों की अभी भी करते हैं तो उनसे बात करते हैं फिर से एक बार बाबू जी कैसे हैं पाँच साल बाद मिला हूँ आपसे ठीक है स्वास्थ्य कैसा है है। और अब तब तो अभी भी पूरा काम धाम आप पिछले पाँच साल पहले जब आया था तो आपने बताया था कि खेती बाड़ी पूरा आप देखते हैं पूरा काम धाम देखते हैं अभी भी पूरा सब पर नजर रखते हैं नजर है भाई रखते हैं सब करा रहे हैं वह सब अच्छा तो अब जैसे कि सबसे बड़े परिवार में फिलहाल तो आप ही हुए मुलायम सिंह जी नेताजी नहीं रहे राम गोपाल जी के बड़े भाई जी थे वो नहीं रहे तो आप सबसे बड़े आप ही हैं पूरे घर में अब पूरे घर में हम ही बड़े तो जैसे मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो आखिरी बार उनकी आपसे क्या बात हुई थी कब बात हुई थी ऐसा है बात तो ज़्यादा बात तो नहीं भाई बैठे खुब रहे बहुत खूब भाई असली खास का चुनाई भाई अच्छा आखिरी उनसे कौन सी मुलाकात कौन सी बात आपको याद है याद तो आते होंगे भाई की याद तो आती होगी नहीं भाई की याद खूब आती है काय को हम्म आखिरी बार कब मिले तुम से आप गांव आए थे मिलने आपसे गांव तो भीड़ हो जाती गांव की नहीं मिले हम इटाबा दो दिन गए थे

तो जैसे आप सबसे बड़े आप परिवार में हैं तो घर में अब कोई भी फैसला होता है कोई भी बात होती है तो आपसे चर्चा होती है आपसे परमिशन ली जाती है कोई फैसला कोई लड़ाई बड़ाई है नहीं अब घर में तो मतलब कोई खास नहीं आती कोई है ही नहीं अब ये तो है इन पाँच सालों में काफ़ी कुछ यादव परिवार में बदल गया <laughs> पाँच साल पहले जब हम आए थे तो थोड़ा आपस में विवाद था मगर अब हम देखते हैं सब शांति है सब आपस में प्रेम है आपने डांट लगाई क्या सब ठीक करो अब डांट का लगाई बैठे कहीं? तो फिर समझाओ बुझाओ तो माने गए अच्छा क्या समझाया आपने जब समझाया था कि एक हो जाओ ऐसे लग लग रहे कुछ बात में रहेगा नहीं ठीक सलाह दी आपने ठीक और अब सब साथ नजर आते हैं सब साथ है नजर देखो शिवपाल बताओ या कराल देख लेंगे को चुनाव धर्मेन्द्रो बाजू आज भी है। रहा है चुनाव देखकर वो आजमगढ़ लड़ रहा हो लेकिन धर्मेंद्र भैया अच्छा। आजमगढ़ चुनाव लड़ रहो कल मैं आए थे आयन हुआ अच्छा आजमगढ़ आप कह रहे, रहे हैं सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं सब एक दूसरे का चुनाव एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं सब जा सब मदद कर रहा है

तब एक हो चुको तो तब तो कितनी जोड़ प्रचार बहुत सब मिले जुले सब लगे रहे तब तीन लाख ने जीती थी लगभग तो जीते तो फिर भी बात फिर बार जीतेंगे इस बार आपकी बार आप जाएंगे कहीं प्रचार करने जाओ आई परी तो जी एक आधा आदमी मिलन जुलन समझाओ अब जैसे नेता जी नहीं रहे तो लोग कहते होंगे ना कि आपको थोड़ा आना चाहिए मिलना चाहिए प्रचार करना चाहिए जाते हैं आप जाएंगे हम हाँ, ज्यादा नहीं चल पे लेकिन जी थोड़े अच्छा आजमगढ़ जाएंगे आजमगढ़ आजमगढ़ पहुंच पे हमें दूर है दूर, दूर ज्यादा लंबा दूर जाते नहीं है आए आजमगढ़ आजम के बाहरी गाड़ी पर लो आए लेकिन बहुत दूर है बहुत दूर है तो अखिलेश भैया ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं कर जब पहले नहीं लड़ रहे थे अब चुनाव लड़ रहे हैं आपसे पूछा क्या आगे चुनाव लड़ना चाहिए तो ठीक है पूछी थी तो जीराम गए लल्ले अच्छा तो वो लल्ले तो अच्छा हां चुनाव भी मत हां ही तो पूछा ही माती हां हां के लायक पूछो मत अच्छा लोग आप देखिए नेता जी की बात सबसे बड़े बाऊजी हैं बात आ रहे इसीलिए अरे हम हाँ किसान हाँ। भी। किसान हिसाब के किसान अभी खेती किसानी कैसे चल रही है दे, तो देखभाल ठीक कर रही है लड़का और मती जो है वो दिखा तू है अच्छा घर के लोग सब देखते हैं खेती बाड़ी घर के कोई नहीं देखते मेरे मामा को नु देखता है ठीक ठीक हो रही है। कुछ अपील करना चाहेंगे तो आप बाबू जी राजनीति से दूर रहते हैं कभी राजनीति में आए भी नहीं इसलिए चुनाव पर राजनीति पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं ठीक है बाबू जी ने बात की हमसे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर अगली बार आएंगे फिर मिलेंगे आपसे आके ठीक है <laughs> देखते रहिए आप टीवी नाइन डिस्ट्रो शुक्रिया